पैमाने पे स्थापित किए जाते हैं, मतलब अगर भारी उद्योग है तो उसमें पूंजी क्या रहेगी, ज्यादा लगेगी, है ना। भारी उद्योग में पूंजी ज्यादा लगेगी, मतलब करोड़ों रुपए लग जाएंगे, है ना। ज्यादा पूंजी, ज्यादा जमीन की भी आवश्यकता होगी, ज्यादा कच्चा माल चाहिए, है ना, ज्यादा जमीन यानी ज्यादा जगह, ठीक है ना, ज्यादा कच्चा माल, कच्चा माल भी क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, ज्यादा श्रमिक या श्रम शक्ति, ज्यादा भारी मात्रा में श्रम शक्ति, मतलब ज्यादा मजदूर लगेंगे, और क्या रहेगा, ज्यादा पूंजी हो गई करोड़ रुपए में, ज्यादा जमीन हो गई, मतलब बहुत ज्यादा बड़े जमीन जगह चाहिए, ज्यादा कच्चा माल चाहिए, ज्यादा श्रम शक्ति चाहिए, ज्यादा शक्ति के साधन चाहिए। शक्ति के साधन का मतलब कोयला, कोयला है, बिजली है, शक्ति के साधन यही होते हैं ना, जो हमको ईंधन प्रोवाइड कराते हैं। कोई भी चीज चलाने के लिए शक्ति, ऊर्जा चाहिए ना, तो क्या क्या चाहिए, ज्यादा पूंजी चाहिए, मतलब करो थोड़े से पैसे में भारी उद्योग नहीं खोल सकते हैं, है ना। वे उद्योग जिसमें ज्यादा पूंजी, ज्यादा कच्चा माल, ज्यादा श्रम शक्ति से ज्यादा उत्पादन होता है, तो उत्पादन भी क्या होगा, ज्यादा होगा, लोगों को रोजगार ज्यादा मिलेगा, ठीक ना। भारी मात्रा में पूंजी चाहिए, ज्यादा जमीन चाहिए, भारी मात्रा में कच्चा माल चाहिए, ज्यादा श्रम शक्ति, ज्यादा शक्ति के साधन, और ज्यादा रोजगार लोगों को मिलेगा। ऐसे उद्योगों को क्या कहते हैं, भारी उद्योग कहते हैं। बड़ी बड़ी मशीनें लगेंगी, और क्या रहेगा, बड़ी बड़ी मशीनें लगेंगी। तो आप सभी लोग बताएं कि भारी उद्योग किसे कहते हैं, सत्यम तुम बताओ, भारी उद्योग वो उद्योग है, खड़े हो बताओ, इसमें बड़े पैमाने पे जिसमें ज्यादा पूंजी, ज्यादा मशीन, जमीन, कच्चा माल, ज्यादा श्रम शक्ति, शक्ति के साधन। तो इसके उदाहरण क्या क्या है, बहुत अच्छा है, इसके क्या क्या उदाहरण है, जैसे कि लौह इस्पात, सीमेंट उद्योग, सीमेंट उद्योग, दवाई का उद्योग, रसायनिक उद्योग, खाद उद्योग, है ना, जलयान, वायुयान, है ना, ये सब जो भी बड़े बड़े चीजें बनाई जाती हैं, वो सब किस में आते हैं, सबको याद हो गया ना कि भारी उद्योग क्या है, जिसमें ज्यादा पूंजी, ज्यादा जमीन, ज्यादा कच्चा माल, ज्यादा श्रम शक्ति, ज्यादा शक्ति के साधन, ज्यादा शक्ति के साधन होंगे तभी ऊर्जा प्राप्त होगी, बड़ी बड़ी मशीनें लगेंगी, है ना, और ज्यादा रोजगार और ज्यादा उत्पादन भी होगा, ज्यादा क्या हो जाएगा, उत्पादन, उत्पादन, इसी को कहते हैं भारी उद्योग। और इनके उदाहरण कौन कौन से हैं, लौह इस्पात उद्योग, रासायनिक, सीमेंट, जलयान, वायुयान, इंजन, रेलगाड़ी के जो होते हैं, है ना, और मोटर कार, ये सब भारी उद्योग के, परमाणु ऊर्जा है, रेल की डिब्बे, ये सब भारी उद्योग के क्या है, उदाहरण है। अब हम देखेंगे कि भारत में भारी उद्योग कहाँ कहाँ स्थापित हुए हैं। तो देखो यहाँ पे बोर्ड पे दिख रहा है ना सबको, ये भारत का नक्शा है, ठीक ना, ये क्या है भारत का नक्शा। ज्यादातर जो खनिज पदार्थ है वो कहाँ पाए जाते हैं, साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में, है ना, कर्क रेखा के आस पास या उसके नीचे। तो सबसे ज्यादा देखो, सबसे पहले जो है हम लेंगे लौह इस्पात उद्योग, कौन सा उद्योग लेंगे, लौह इस्पात, जो एक भारी उद्योग का उदाहरण है, लौह इस्पात उद्योग, ये एक आधारभूत उद्योग है, कैसा उद्योग है, आधारभूत उद्योग है। आधारभूत इसलिए है क्योंकि जितने उद्योग है उस सब किस पर डिपेंड है, लोहे पे ही इतना सारे उद्योग होते हैं। अगर छोटा भी उद्योग लगा रहे हो, तुमको सुई चाहिए या फिर फावड़ा चाहिए, कुछ भी चाहिए, मशीन चाहिए, तो सब किससे बना होता है, लोहे, लोहे से। इसलिए जो है इस उद्योग को आधारभूत उद्योग भी कहते हैं, ठीक ना, इसलिए लौह इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग कहते हैं, क्योंकि जितने भी उद्योग है, चाहे वो कुटीर हो या लघु, सब में किसका काम पड़ता है, लोहे का। और इससे पहले क्या किया जाता है, जमीन से खान से खन के निकाला जाता है, उसके बाद उसको भट्टी में गलाया जाता है,
शुद्ध किया जाता है, ऐसे भी निकल जाता है, भट्टी में डाला जाता है और इसे शुद्ध किया जाता है। प्रकरण भट्टी में इसको गला कर शुद्ध किया जाता है, फिर साचे में ढाल के इसका निर्माण किया जाता है। उसके बाद भी लोहे में जंग ना लगे इसलिए क्या मिलाया जाता है इसमें, कार्बन, क्रोमियम, निकिल, ये सब मिलाकर उसको जंग रोधी लोहे या लौह इस्पात में परिवर्तित किया जाता है। समझ में आ रही बात, सबको समझ में आ रहा है कि लौह इस्पात उद्योग जो है आधारभूत उद्योग है और इसमें क्या होता है, ध्यान दो सभी लोग, इसको खान से निकाला जाता है, ऐसे नहीं निकाला जाता है, बड़ी बड़ी मशीनों द्वारा खान से निकाला जाता है, उसके बाद इसको गलाया जाता है, फिर शुद्ध अवस्था मिलता है, उसके बाद इसको सांचे में ढाला जाता है, उसके बाद आगे की प्रक्रिया जो निर्माण करना है उसका निर्माण होता है। सबसे पहले भारत में जो झारखंड है, ये देखो यहाँ पे है, ये झारखंड है, ठीक है, दिख रहा है ना? यस मैम। तो झारखंड में सबसे पहले साक्ची नामक स्थान पे, पहले झारखंड बिहार में था, उसे बिहार ही कहते थे, सबसे पहले साक्ची नामक स्थान पे इसकी स्थापना हुई, किसकी, लौह इस्पात उद्योग, लेकिन ये उतनी सफल नहीं हो पाई क्योंकि हमारे पास इतनी तकनीक नहीं थी। उसके बाद जो है निजी क्षेत्र की जो कंपनी थी कौन सी, टिस्को, टाटा आयरन एंड टिस्को स्टील कंपनी, तो पहले उल्टी में यहाँ पे स्थापित हुई। उसके बाद निजी क्षेत्र की साक्षी नाम स्थान पे जमशेद जी टाटा ने 1907 में स्थापित किया था, इसे अब जमशेदपुर कहते हैं, क्या कहते हैं, जमशेदपुर, जमशेदपुर, ठीक ना। यहाँ पे टिस्को कौन सी कंपनी थी, टिस्को, अब इसका फुल फॉर्म देख लो, हाँ बोलो, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ये टिस्को सबसे पहले स्थापित की गई साक्षी नामक स्थान पे, जिसे आप जमशेदपुर कहते हैं, ठीक ना। उसके बाद दूसरी कंपनी जो है कौन सी स्थापित हुई, टिस्को, कौन सी हुई, टिस्को, जो पुल्टी में खोला गया था और कई लेके हीरापुर और बर्नपुर मिला के टिस्को नामक कंपनी स्थापित हुई, क्या नाम था, टिस्को, टिस्को, इसका क्या फुल फॉर्म रहेगा, आयरन स्टील, आयरन एंड स्टील कंपनी, इसको क्या कहेंगे, टिस्को, और इसको कहेंगे टिस्को। उसके बाद हुआ डिस्को, तीसरे नंबर पे डिस्को, कर्नाटक में, इसको कर्नाटक राज्य है, यहाँ पे डिस्को, ये झारखंड में इसको और इसको और उसके बाद डिस्को, ठीक है, ये कंपनियां, इसका फुल फॉर्म क्या है, विश्व सर्वा आयरन एंड स्टील कंपनी, विश्व सर्वा थे, ये इंजीनियर थे और भारत के प्रसिद्ध क्या थे, इंजीनियर, इन्हीं के नाम पे इंजीनियर डे भी मनाया जाता है, ठीक ना। तो देखो यहाँ पे है बोकारो है ना, यहाँ पे है जमशेदपुर, यहाँ पे है भिलाई, उसके बाद देखो सर्वाधिक सरकारी जो मशीनें थी उनको स्थापित किया गया भिलाई और उड़ीसा में राउरकेला, बोलो राउरकेला, मैप है ना तुम लोग के पास, यहाँ कौन सही कौन सा राज्य, भिलाई किस राज्य में है, छत्तीसगढ़, कौन सा राज्य है, छत्तीसगढ़, और उड़ीसा में राउरकेला और जमशेदपुर में टिस्को, समझ गए। इसके अलावा हम लोग देखेंगे डेट्रॉयट, क्या है डेट्रॉयट, क्या है मोटर वाहन, यूएसए में, कहाँ है, यूएसए में, और कितनी फेमस है मोटर वाहन उद्योग के लिए, जो हाँ विश्व में, ये तो हम लोग इंडिया का देख लिए, इंडिया में क्या स्थिति है लौह इस्पात उद्योग की, अब ये जो डेट्रॉयट है वो कहाँ है, अमेरिका, अमेरिका में, अमेरिका कहाँ है, महाद्वीप में है, अमेरिका,
छोटा है। यहाँ क्या है? अमेरिका। और यहाँ ग्रेट लेक्स ऑफ यूएसए, पांच लेक्स है ना। कौन कौन सी है? सुपीरियर, यूरान, इरी, मिशिगन, ये है ना, बोन, ओंटारियो। तो यूरान और इरी के बीच में डेट्रॉयट नाम का एक क्या है, स्थान है। क्या नाम है? डेट्रॉयट। डेट्रॉयट जो मोटर वाहन उद्योग के लिए फेमस है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का मानचित्र जितना, इसमें ये यूएसए है। क्या है? यूएसए। यहाँ एक स्थान है डेट्रॉयट। डेट्रॉयट ये किस लिए फेमस है? मोटर वाहन उद्योग। क्या यहाँ पे भी क्या है, जैसे जमशेदपुर में क्या था, झारखंड एक पिछड़ा इलाका था, लेकिन वहाँ पे कोयला आराम से मिल जाता था, तो क्या था, शक्ति का साधन था। और क्या था, लौह इस्पात आराम से खानों से मिल जाता है। झारखंड में खनिज पदार्थ बहुत ज्यादा थे। उसके अलावा चूना पत्थर भी आसपास से 250 किलोमीटर के आसपास मिल जाता था। मैग्नीज भी मिल जाता था, क्योंकि उड़ीसा उड़ीसा छत्तीसगढ़ और सब क्या है, पास है। तो इसलिए इतने पिछड़े इलाके को, जो झारखंड था, आदिवासी इलाका था ना, जो रतन टाटा थे, जमशेद जी टाटा थे, उन्होंने क्या किया, वहां पे उद्योग स्थापित किया, क्योंकि सारी वहां पे क्या थी, सिचुएशन सही थी उद्योग स्थापित करने के लिए। यात्रा आपके साधन से आदमी आसपास रह रहा तो आराम से ले आ सकता है। इसी तरह डेट्रॉयट में भी ऐसी स्थिति है, फिक्स वर्क से सारा क्या आ जाता है, लौह इस्पात और कोयले की पूर्ति हो जाती है। तो यहाँ पे क्या है, तीन कंपनियां है, कौन कौन सी है, जनरल मोटर कॉर्पोरेशन, जनरल मोटर कॉर्पोरेशन जिसको जीएम बोलते हैं, उसके अलावा फोर्ड मोटर कंपनी है, फोर्ड की गाड़ी सब लोग देखे है ना, उसका ट्रैक्टर भी आता है। उसके अलावा कौन सी है, डैमलर क्रिसलर एजी, ये तीन कंपनियां वहां की है। डेट्रॉयट में क्या है, 12 तीन कंपनियां है। और यहाँ पिट्स वर्ग से क्या आ जाता है, कच्चा माल आ जाता है, क्योंकि जो अमेरिका का पिट्स वर्ग है वो लौह इस्पात का एक प्रमुख केंद्र है ना, वहाँ पे खाने हैं। इसके बाद हम लोग लेंगे सूती वस्त्र उद्योग को। अच्छा ये बताओ कि भारत का डेट्रॉयट किसे कहते हैं, पता है किसी को? भारत का डेट्रॉयट जो एमपी का पिथमपुर है, क्या है, इंदौर के पास है, ठीक ना, इंदौर के पास जो पिथमपुर है उसको भारत का डेट्रॉयट कहते हैं, क्योंकि यहाँ भी मोटर गाड़ी का अच्छा उद्योग है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र, सूत कहाँ होता है, जहाँ पे कपास अधिक मात्रा में, अधिक मात्रा में प्राप्त। हाँ, कपास कैसी मिट्टी पे होता है, काली मिट्टी पे। अब काली मिट्टी कहाँ ज्यादा है, महाराष्ट्र गुजरात में। तो जो भारत का महाराष्ट्र और गुजरात है बच्चों, यहाँ पे गुजरात है ना, यस मैम, और यहाँ पे क्या है, महाराष्ट्र। यहाँ काली मिट्टी बहुत अच्छी मात्रा पाई जाती है, यहाँ पे क्या है, सूती वस्त्र उद्योग बहुत ज्यादा है, ठीक है ना, पाए जाते हैं, ठीक मैम। ये क्या है, गुजरात, और ये महाराष्ट्र, और उसके बाद कहाँ पाए जाएंगे, एमपी, किसमें पाए जाएंगे, और उसके बाद यूपी, तमिलनाडु। और यहाँ की जो जलवायु रहती है वो नमी रहती है, जो किस लिए अच्छी होती है, सूत जो है उसको नम जलवायु चाहिए रहती है, नहीं तो टूटता है, क्या होता है, टूटता है, ठीक ना। तो देखो गुजरात और महाराष्ट्र और थोड़ा सा एमपी का पार्ट लेंगे, इसमें काली मिट्टी अधिक मात्रा में पाई जाती है, इसलिए क्या होता है, यहाँ पे कपास अच्छी मात्रा में हो जाता है, और कपास से सूत बनाया जाता है, और सूत से क्या किया जाता है, कपड़ों का निर्माण, ठीक ना। तो यहाँ पे गुजरात में क्या है, अहमदाबाद, जिसको भारत का क्या कहते हैं, मैनचेस्टर। क्यों कहते हैं, मैनचेस्टर क्या है, क्यों फेमस है, ब्रिटेन का एक स्थान का नाम है मैनचेस्टर, जहाँ सूती वस्त्र उद्योग बहुत ज्यादा पाए जाते हैं,
पाया जाता है। इसीलिए भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? अहमदाबाद। और उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? कानपुर। ठीक है, कानपुर में उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहते हैं, क्योंकि वहाँ भी मैनचेस्टर की जैसे वस्त्र उद्योग अधिक विकसित है। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं ओसाका पे। ओसाका कहाँ है? जापान देश के। हाँ, देखो इसकी क्वालिटी ये है कि भारत में तो कच्चा माल खूब बढ़िया मिल जाता है, ठीक ना, लेकिन ओसाका यानी जो जापान में है वहाँ कच्चा माल नहीं मिलता है। जापान में कच्चा माल नहीं है, फिर भी वहाँ पे कुछ ऐसी दशाएं हैं, समुद्र तट है, जिससे आसानी से क्या हो जाता है, कच्चे और पक्के यानी जो उत्पादित माल है और जो कच्चा माल है उसको ढोने की सुविधा, परिवहन की सुविधा अच्छी है और वहाँ पे बंदरगाह अच्छे हैं, ये भी एक दशा होती है। ठीक ना, वहाँ पे क्या है? बंदरगाह। बंदरगाह अच्छे है, तकनीक है, ऊंची क्वालिटी की क्या है? तकनीक है। हमारे यहाँ सारी दशाएं हैं, लेकिन क्या है, कच्चा माल भी है, श्रमिक भी हैं, लेकिन तकनीक अच्छी नहीं है। उनके यहाँ बड़ी मशीन है, बेल जो है, जो साक्षर मजदूर होते हैं उस टाइप के मजदूर। हमारे यहाँ क्या है, थोड़ा पढ़ाई लिखाई कम है, शिक्षा है ना, और टेक्नोलॉजी कम है। इस वजह से जापान में कच्चा माल की कमी होते हुए भी ओसाका जो है वहाँ पे सूती वस्त्र उद्योग का बहुत बड़ा उद्योग है जो पूरे संसार में फेमस है, और इसे जापान का मैनचेस्टर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? जापान का मैनचेस्टर। ठीक ना, तो ये हो गया सूती वस्त्र उद्योग। अगला क्या है? सूचना प्रौद्योगिकी। हाँ, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग। यूएसए की जो सिलिकॉन घाटी है वो सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के लिए बहुत फेमस है, क्योंकि वहाँ सॉफ्टवेयर प्रक्रिया सामग्री जिसे कहते हैं प्रक्रिया सामग्री, ठीक ना, बहुत ज्यादा विकसित है, सॉफ्टवेयर यहाँ बनता है और सॉफ्टवेयर की वजह से ही सारे कंप्यूटर इंटरनेट सब चलते हैं। ठीक है, इसी तरह भारत का जो सिलिकॉन घाटी है उसे किसे कहते हैं? बेंगलोर। क्योंकि वहाँ पे भी कोई भी अगर इंजीनियरिंग किया है, कंप्यूटर से कोई भी कोर्स किया है, तो सीधे कहाँ जाएगा? बेंगलुरु। क्या क्या वहाँ कौन कौन सी कंपनी है? इंफोसिस है, विप्रो और विप्रो है, ये सब सॉफ्टवेयर कंपनियां है। नाम सुने हो? सुने हो कि नहीं सुने हो? तो देखो यही पे जो है कर्नाटक की राजधानी, देखो ना तुम लोग, यहाँ पे महाराष्ट्र की बात कर्नाटक पड़ता है और इसकी राजधानी क्या है? बेंगलुरु। तो बेंगलुरु में क्या है? सॉफ्टवेयर